तो देखिए अब हम लोग जो है काइनेमैटिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी बात चल रही थी काइनेमैटिक में वो सब के सब कह सकते हो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, हैं? और अब हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का, और काइनेमैटिक के इस पार्ट से हमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। हालांकि ये न्यूमेरिकल आजकल एग्जामों में आना जरूरी है, आते भी हैं, और अगर बच्चों को इनका आइडिया नहीं है तो ये सवाल फिर नहीं लग पाते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक? तो देखिए पहली जो हेडिंग है मैथमेटिकल पार्ट ऑफ काइनेमैटिक की, उस हेडिंग को बोलते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी फ्लूड फ्लो पर वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी और उसका एक्सेलेरेशन कैसे निकाला जाएगा, त्वरण कैसे निकाला जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, वो पॉइंट्स क्या लिए हुए हैं? लेट यू वी डब्ल्यू आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। मतलब कहने का ये है कि ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट हैं। इसका मतलब यू एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, वी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, और डब्ल्यू मेरा जेड डायरेक्शन कंपोनेंट होगा, ठीक है? चलिए अब मैं ऐसा करता हूं कि इस यू को u वेलोसिटी को कह देता हूं कि u वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t। एक बात बता दें, जो वेलोसिटी x डायरेक्शन की वेलोसिटी u है, ये x का भी फंक्शन हो सकती है, y का भी हो सकती है, z का भी हो सकती है, फिर टाइम का भी हो सकती है। मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूं, इसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। सेम वे से स्मॉल v भी फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t हो सकता है, और सेम तरीके से जो w है वो भी मेरा कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों वेलोसिटी को मैंने अपनी तरफ से 3D फ्लो में कंसीडर कर दिया, 3D फ्लो में कंसीडर कर दिया, और टाइम लिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो मेरा अनस्टडी माना हुआ है। तो आप सबको ये पता होगा कि ये जो मैंने बात ली हुई है ये एकदम जनरल बात है कि फ्लो मैं 3D भी लेके चल रहा हूं, साथ साथ अनस्टडी लेके चल रहा हूं। बात क्लियर है? तो ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। तो होता क्या है कि जैसे कि मुझे वेलोसिटी u v w अगर किसी भी तरीके से पता चल जाए फंक्शन देकर, तो मैं बड़े ही आराम से उसकी नेट वेलोसिटी बता सकता हूं। परंतु जो नेट वेलोसिटी निकलती है वो दो फॉर्म में निकलती है, एक तो वेक्टर फॉर्म होता है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा इसका वेक्टर फॉर्म क्या है नेट वेलोसिटी का, तो आप कहोगे कि नेट वेलोसिटी का जो वेक्टर फॉर्म होगा जिसको मैं वी के ऊपर एरो, वो भी कैपिटल वी के ऊपर एरो, तो लिखा जाए तो कहोगे यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। ये मेरा कह सकते हो कि वेलोसिटी का नेट वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये मेरी नेट वेलोसिटी है जिसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। कई बार इस फॉर्मूले का, इस नेट वेलोसिटी का मुझसे मैग्नीट्यूड भी पूछा जाता है, इसका परिमाण बताइए कितना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है और आपको वेक्टर पता है बहुत आराम से, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि बताओ जरा सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये जो यू वी डब्ल्यू, अच्छा देखो कैपिटल वी जो था वो मेरी नेट वेलोसिटी थी, यू वी डब्ल्यू मेरे स्मॉल में है। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस मेरा डब्ल्यू स्क्वायर। अगर आप लोग इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, साथ साथ उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये मेरा कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पता चल जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप सब लोगों को ये बात पता चल चुकी होगी कि वेलोसिटी कैसे निकालनी है। हाँ, इस वेलोसिटी का मैं एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल भी बता सकता हूं, वाई डायरेक्शन के साथ भी एंगल बताया जा सकता है, और जेड डायरेक्शन के साथ भी एंगल बताया जा सकता है, ये ध्यान रखना। वो भी कैसे बताते हैं उसको भी सुन लीजिए। तो अगर मैं कहूं कि नेट वेलोसिटी का, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं, जरा ध्यान देते रहना भाई, ये सब बेसिक चीजें ज्यादातर लोगों को पता होती हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो पढ़ना सभी को है भाई, क्योंकि सब जब तक सब लोग एट लेवल पे नहीं आओगे तब तक बात नहीं आगे बढ़ेगी। तो मैंने आपको नेट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म बताया, मैग्नीट्यूड बताया, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनेगा। हॉरिजॉन्टल ना चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा, ये बात सबको पता होना चाहिए। हालांकि ये बात मैं वेक्टर फॉर्म से बड़े आराम से प्रूव कर सकता हूं। चलिए तो मैं निकाल लेता हूं। तो नेट वेलोसिटी वी टा एक्स एक्सिस से बना एंगल,
तो भैया एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, अच्छा मैं काम करता हूं तीनों चीजें एक साथ लिख देता हूं, एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस के साथ बना एंगल मैं एक साथ लिख देता हूं। चलिए देखिए, तो होता क्या है कि किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो बना हुआ एंगल होता है उसको अल्फा माना जाता है, और वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल हमारा बीटा माना जाता है, और कह सकते हो जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल मेरा गामा माना जाता है। तो सवाल यह है कि मेरा क्रॉस अल्फा, क्रॉस बीटा और क्रॉस गामा क्या होना चाहिए। तो आप सबको एक बात पता है कि क्रॉस अल्फा जो होता है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, तभी बात आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे कि मैं यहां पर अपनी तीन डायरेक्शन बना के दिखाऊं, ये मान लीजिए मेरी एक्स डायरेक्शन हो गई, और ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन हो गई, और ये मान लीजिए मेरी जेड डायरेक्शन हो गई। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक्स में वाई वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरा यू है, वाई में वी है। तो एक्स में आप कैसा कह सकते हो कि वेलोसिटी का कंपोनेंट यू है, यानी यहां तक। वाई में वेलोसिटी का कंपोनेंट वी है, दैट मींस यहां तक। और जेड में वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ ऐसा है जिसको मैं डब्ल्यू कह रहा हूं, तो ये यू वी डब्ल्यू है। तो कुछ लाइन ऐसे तिरछी रही होगी, उसी लाइन तिरछी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और कह सकते हो जेड कंपोनेंट आ गया। बहुत ध्यान सुनना। तो होता क्या है कि जो भी लाइन वेक्टर फॉर्म रहेगा, जैसे कि मैं अगर वेक्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखा दूं कि मेरा वेक्टर फॉर्म ये रहा, नेट वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म ये रहा वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म थोड़ा 3D में सोचिए। तो ये एक्स एक्सिस के साथ बना है, एंगल मेरा इस तरह से ना दिखाए, नहीं तो अगर ऐसे दिखाया जाएगा तो आप नहीं समझ पाओगे। रुकिए, कुछ ये दिखाया जाए, नेट वेलोसिटी। तो ये एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ ये एंगल है, ये मेरा अल्फा है, वाई के साथ बना हुआ एंगल बीटा है, और जेड के साथ जो एंगल बनाया जाएगा वो मेरा कह सकते हो कि गामा है ना। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा का फॉर्मूला आप सुनिए। कॉस अल्फा जो कि एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है, उसका फॉर्मूला होता है यू अपॉन, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइड बाई नेट वेलोसिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड। तो देखो आप ऐसे याद करो, जब क्रॉस अल्फा निकाला जाएगा तो आधार तो यू रहेगा, और जो कर्ण होगा वो नेट वेलोसिटी में बनेगा। तो जो कर्ण बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। कई बार मैं इसको मॉड में भी लिख देता हूं कि ये एक प्रकार का उसकी मैग्नीट्यूड है। तो क्रॉस अल्फा यले फॉर्मूले से निकाला जाएगा, और क्रॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल निकालना हो तो वी डिवाइड बाई अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर इससे निकाला जाएगा। और बाय द वे मुझे Z एक्सिस के साथ एंगल निकालो जिसको cos गामा कहते हैं, तो वो W डिवाइड बाई अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस हमारा W स्क्वायर। चेक कर लीजिए, तो ये एंगल आ गया X एक्सिस के साथ, ये Y एक्सिस के साथ, ये Z एक्सिस के साथ। हाँ, एक चीज और याद करनी पड़ेगी कि इन तीनों एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ये रिलेशनशिप होता है कि यदि तीनों को, डेट मींस क्रॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्रॉस स्क्वायर बीटा और प्लस क्रॉस स्क्वायर गामा, अगर इन तीनों को उठा के जोड़ दिया जाए तो इसका जो मान निकल के आता है वो तुम्हारा 1 निकल के आता है। ये स्क्वायर है, क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीनों का योगफल जो होता है वो तुम्हारा 1 निकल के आता है, ठीक। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये हर वेक्टर के लिए वैलिड होती है, चाहे फिर मैं बात वेलोसिटी की कर रहा हूं तब भी ये बात वैलिड होगी, और या फिर मैं बात एक्सेलेरेशन की करूंगा तब भी ये बात वैलिड होगी, ठीक है। तो आई होप आपको वेलोसिटी के बारे में पता चल रही होंगी बातें, ठीक है। अब मैं देखता हूं अपनी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन। अब सुनिए जरा एक्सेलेरेशन कैसे निकलता है। तो मैं अपनी तरफ से ये कह देता हूं कि लेट जो है, लेट नेट एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हो जाएगा, जिसको मैं कैपिटल ए से बात कर देता हूं, कि कैपिटल ए जो है उसको मैं इस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो मैंने क्या किया कि रिजल्टेंट को, एक काम करते हैं कि रिजल्टेंट को कैपिटल से शो कर देते हैं, इसको स्मॉल से, ए एक्स प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है वो मेरा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि आपका एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो अभी अभी जो मैंने क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा के फॉर्मूले बताए वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं,
लेकिन होता क्या है कि जब भी कभी कोई सवाल दिया जाता है आपको, तो आपको वेलोसिटी फंक्शन दिया जाता है आपको। शुरुआत में जो मैंने आपको फंक्शन बताया था ना, ये फंक्शन, ये दे दिया जाएगा। यहां से यू वी डब्ल्यू तो आपको पता चल जाएगा है, तो निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये एक्सलेशन जो ए एक्स मैंने माना, एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन, ए वाई वाई डायरेक्शन का एक्सलेशन है, और ए जेड जेड डायरेक्शन का एक्सलेशन, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं एक एक्सलेशन आपको निकाल के बनाता हूं, दिखाता हूं, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं बाकी दोनों एक्सलेशन भी लिख दूंगा है। तो सवाल ये है कि सर हाँ, अगर इसमें नेट पूछा जाता कि बताओ जरा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्सलेशन का, तो आप उसी तरह से कह सकते हो कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस तुम्हारा ए जेड स्क्वायर, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अभी भी वही बात फंसी हुई है कि सर मेरा ए एक्स कैसे निकलेगा, ए एक्स। ठीक है, अब यहां थोड़ा नोटिस करना भाई, क्योंकि ए एक्स निकालना ही आप लोग को थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो रही, लेकिन ए एक्स निकालना अगर सीख गए, उसका फॉर्मूला याद करना सीख गए, तो आप बहुत आराम से चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो चलो सर ए एक्स निकालते हैं, देखते हैं ए एक्स कैसे निकलेगा है, यही निकाल देते हैं। अच्छा, ए एक्स पहला एट यही निकाल देते हैं। सर मुझे एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन ए एक्स चाहिए, यही है मेरी नीड। तो कहोगे कि सर अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन ए एक्स चाहिए आपको, तो आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का दो। लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी डी यू यू, तो यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा दोगे, तो बड़े ही आराम से आपको एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन पता चल जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन डी यू बटे डी टी लिखा जा सकता है। ठीक, सही बात है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो u होगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो u होगी, वो x का भी फंक्शन होगी, y का भी होगी, z का भी होगी, t का भी होगी। ये मैंने आपको पहले बताया था जनरल बात। तो अगर ये बताओ, अगर ये u इन चारों का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन केवल समय के साथ पे चटाना है, तो कैसे ट्राया जाए। तो जब भी कभी कोई भी पैरामीटर चार फंक्शन पे या कोई भी फंक्शन चार पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो वहां हम लोग डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन नहीं करा सकते, तब हम लोग को कराना पड़ता है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया जाता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है। रूल ये होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जितने भी टर्म बने, तो हर टर्म की यूनिट सेम होनी चाहिए, पहला रूल। और ट्राने का तरीका यह होता है कि जैसे कि मेरा u इन चार फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो हर फंक्शन का पहले आप पार्शियल ट्राओ, फिर उसी फंक्शन का फुल ट्राओ, प्लस इसी तरह से चढ़ते चले आप। जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, जैसे कि u जो है समय के सापेक्ष ट्राना है, लेकिन u x पर भी डिपेंड कर रहा है, y पर भी, z पर भी, t पर भी, लेकिन ट्राना समय के सापेक्ष। तो पहले u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल ट्राओ, ये जो डेवर मैं लगाता हूं ये डेवर है, और अगर डिफरेंशिएशन फुल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डेवर, और ये जो डी लगाया हुआ है फुल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। तो यू का एक्स के सापेक्ष मैंने पार्शियल ट्राया, अब मुझे इसी एक्स का समय के सापेक्ष फुल ट्राना पड़ेगा, इसी एक्स का समय के सापेक्ष फुल ट्राना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर आप यूनिट देखें तो यहां है डी यू बटे डी टी, तो यहां डी एक्स की यूनिट इस डेवर एक्स से कैंसिल हो जाएगी, तो वही सेम यूनिट आ जाएगी। तो किया क्या, यू का एक्स के सापेक्ष पार्शियल, और फिर एक्स का ही समय के सापेक्ष फुल जो आपको कराना था, प्लस अब किसकी बारी आ रही, वाई की। तो कह सकते हो कि यू का वाई के सापेक्ष पार्शियल, यू का वाई के सापेक्ष पार्शियल, और फिर कह सकते हो वाई का समय के सापेक्ष फुल, समय के सापेक्ष फुल। देखो भाई, ये पार्शियल ये फुल है, प्लस अब बचा कौन हमारा, जेड। तो कहो डे यू का जेड के सापेक्ष पार्शियल, जेड के सापेक्ष पार्शियल, और जैसे जेड के सापेक्ष पार्शियल करोगे, तो जेड का समय के सापेक्ष फुल, जेड का समय के सापेक्ष फुल। आप देख लीजिए हर टर्म में यूनिट बैलेंस होगी, प्लस फाइनली बचा कौन हमारा है, बचा तो हमारा केवल अब टी ना, बचा तो केवल टी। तो जब टी के सापेक्ष फुल टराना ही था, तो जो लास्ट वाला पद हो जाएगा वो टेबल और टेबल कह सकते हो कि यू का समय के सापेक्ष पार्शियल हो जाएगा, और पार्शियल ही टराना पड़ेगा। अरे पार्शियल नहीं टराओगे,
एक्स वाई जेड भी रहेंगे तो कैसे और डिफरेंशिएशन रहोगे। तो देख लीजिए मैंने एक्स का फॉर्मूला बनाना आपको बता दिया, करना कुछ नहीं है। यू का पहले एक्स सापेक्ष पार्शियल, फिर एक्स का फुल, यू का वाई के सापेक्ष पार्शियल, वाई का फुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह से, है ना। हाँ, अगर यहां डीटी ना होता तो नीचे जितने डीटी 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 हैं ये सब भी कैंसिल आउट हो जाते, तब ना होते, है ना। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, बहुत कायदे के साथ। सर मुझे एक्स चाहिए था और एक्स के लिए तुमने डीयू बटे डीटी हमें थमा दिया और डीयू बटे डीटी ने इतना बड़ा फॉर्मूला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। निकालना तो हमें एक्स था ना, एक्स निकालना था ना। अब थोड़ा दिमाग लगाना, सर ये डीएक्स बटे डीटी क्या है, ये डीएक्स बटे डीटी क्या है, ये डीवाई बटे डीटी क्या है और ये तुम्हारा डीजेड बटे डीटी क्या है। थोड़ा सोचिए इस बात को। तो कहोगे सर ये जो डीएक्स बटे डीटी है ये एक्स का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस वेलोसिटी, और वो भी u, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y डायरेक्शन की वेलोसिटी v, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो z डायरेक्शन की वेलोसिटी w। तो कह सकते हैं कि सर ये जो टर्म है ये तुम्हारा u बनेगा, ये v बनेगा और ये तुम्हारा कह सकते हो w बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको मैं अपनी तरफ से u लिखा जा सकता है, इसको v लिखा जा सकता है और इसको मैं अपनी तरफ से W लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो W लिखा जा सकता है, तो चलिए फिर लिख देते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए बचे रहते हैं हमारे पास, तो आप ऐसा कह सकते हो कि देख लीजिए एक बार, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं फिर, तो x बराबर जो बचा ax बराबर, ध्यान देना आप, तो कह सकते हैं कि सबसे पहले मेरा ax बराबर आया, देखिए यहां पर ये यू डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, यू पहले लिख दिया मैंने, यू डेवर u अपॉन डेवर x प्लस, आगे बताइए क्या बचा, v डेवर u अपॉन डेवर y प्लस v आगे था डेवर u अपॉन डेवर y प्लस, फिर देख लीजिए आगे क्या बना, आगे ये देखिए w, तो डेवर w तो ये हो गया, तो w इंटू डेवर u अपॉन डेवर z, w इंटू डेवर u अपॉन डेवर जेड, सॉरी डेवर जेड, और लास्ट में क्या था, तो लास्ट में कह सकते हो कि ये डेवर यू अपॉन डेवर टी, डेवर यू अपॉन डेवर टी, चटीज है, ठीक है। तो ये जो मेरा बना एक्स, ये एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन बन गया, तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मैं y डायरेक्शन का भी एक्सेलेरेशन बना सकता हूं, z डायरेक्शन का भी एक्सेलेरेशन बना सकता हूं, फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा ay और az के मान। तो मैं यहां थोड़ा नीचे लिखता हूं, क्यों नीचे लिखता हूं उसका अभी रीजन पता चल जाएगा, यहां ay का मान लिख दूंगा, यहां az का मान लिख दूंगा, ठीक है। सवाल यह है कि सर इसको याद कैसे करें, बहुत आराम से याद कर सकते हैं। कैसे याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि जब आप ax निकालना, ax निकालना तो डिफरेंशिएशन हमेशा u का होगा, u का, बस एक बार x सापेक्ष, एक बार y, एक बार z, और u v w टर्म से लिखे होंगे, लेकिन u v w बाहर लिखे होंगे, है ना। तो इसका मतलब सर जब a y निकालोगे, a y निकालोगे तो u v w उसी तरह से बाहर लिखे होंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन तो v का होगा ना, जैसे देखो x निकालते समय u का ही डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहां डिफरेंशिएशन होगा v का, यानी u into dever v upon dever x। अच्छा याद अगर आपको करना है तो ऐसे याद कीजिए, u v w लिख लीजिए, लिख लिया u v w, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां लिखिए dever v upon dever x प्लस dever v upon dever y, जल्दी ना रहना, प्लस w था dever v upon dever z प्लस, और उसके आगे हो जाएगा हमारा डेवर वी अपॉन डेवर टी, चटीज है ना। तो ये फॉर्मूला कह सकते हो कि जो बना मेरा ये ए वाई का बन गया, वी के सापेक्ष वी का ही डिफरेंशिएशन है ना, लेकिन ट्रम से यू वी डब्ल्यू लिख देना, ठीक। अच्छा इसी तरह से ए जेड बनाया जाए, अब आप समझ रहे होंगे, तो यू डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वी डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर वाई प्लस डब्ल्यू डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर जेड और लास्ट में डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर टी, देख लीजिए।
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ए एक्स बनाते समय हमेशा यू का डिफरेंशिएशन कराना है, ए वाई बनाते समय हमेशा वी का कराना है, और ए जेड बनाते समय हमेशा जो है डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन कराना है। बोलिए भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो रही ना? इतनी बात सबको क्लियर हो रही ना? ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात पहले आपको समझा दूं, फिर बात को क्लियर करेंगे आगे चल के। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि u बराबर लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई, यू बराबर लिखा एक्स स्क्वायर वाई, और मुझे ax बनाना है, ax निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, u में केवल x और y ही तो फंक्शन है, u में केवल x और y ही तो फंक्शन है, तो इसका मतलब और के सापेक्ष भाई t नहीं है, तो t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, z नहीं है तो z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। अरे भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन कराना आता है ना आपको, देखिए मैं एक बार हिंट कर दूं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे कराते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, रुकिए जरा एक बार हिंट कर दूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि u बराबर लिखा हुआ है x स्क्वायर y, तो उनसे कह दिया जाए सर डेवर u अपॉन डेवर x निकालो, डेवर u अपॉन डेवर y निकालो, डेवर w u अपॉन डेवर z निकालो, और डेवर u अपॉन डेवर t निकालो, तो ये निकालना आपको आना चाहिए है ना। डेवर पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल बस इतना सा होता है कि सर जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं x तो छोड़ो, y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट तो x स्क्वायर का 2x, तो इसका आंसर होगा 2xy। y तो छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो y तो छोड़कर x स्क्वायर कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर * 1। सर z को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो z को छोड़कर कहीं तो z है नहीं ना, बाकी सब कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो जब t है नहीं है तो बाकी सब कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, 0। तो आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए ना पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है भाई, तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन आप सीख लीजिए, क्योंकि बिना पार्शियल डिफरेंशिएशन के, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो पढ़ाया ही जाता है ना इंटर में। ठीक है, हाँ हम लोग कहां थे, यहां थे। तो मैंने आपको बताया कि सर जैसे कि यू बराबर लिखा है यहां पर, मैंने एक बात बोली थी आपको एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस u का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन और इस u का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन तो जीरो हो रही होगा, तो हम फॉर्मूलों को फॉर्मूले में ये दोनों पद नहीं लिखेंगे, केवल इन दोनों पदों से काम चलाएंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर इन दोनों पदों से काम नहीं चलाया गया तो फिर आप जो है क्या बोलते हैं अपने कैलकुलेशन को लंबा कर देंगे फालतू में ना। तो आप लोग ये देखा कीजिए ax और ay निकालते समय कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन किस फॉर्म में, तो वो फंक्शन जिस फॉर्म में हो बस उतने ही टर्म के डिफरेंशिएशन से मतलब होना चाहिए आपको, और एक्स्ट्रा टर्म के डिफरेंशिएशन से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात सुनिए। मैंने यहां जानबूझ के इतनी जगह छोड़ी क्योंकि मुझे यहां आपको कुछ और समझाना है। आप ये पद, ये पद, ये पद, ये पद, किसी भी पद का मात्रक देख लीजिए, किसी भी टर्म का मात्रक देख लीजिए, हर एक का जो मात्रक बनेगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। यकीन ना आए तो करके देख लीजिए, देख लीजिए हर टर्म का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बनने का यही मतलब है कि ये हर टर्म हमारा एक प्रकार का एक्सलेशन है, हर टर्म एक प्रकार का एक्सलेशन है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये है कि किस टर्म को कौन सा एक्सलेशन बोलते हैं, तो सुनना बड़े ध्यान से। यहां से लेटर यहां तक जो टर्म है, यहां से लेटर यहां तक जो टर्म है, तो इस एक्सलेशन को बोला जाता है कन्वेक्टिव एक्सलेशन, कन्वेक्टिव एक्सलेशन, ध्यान रखना। यानी जो एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफरेंशिएशन कराने के बाद मिला हो वो कहलाता है मेरा कन्वेक्टिव एक्सलेशन। यानी कन्वेक्टिव एक्सलेशन में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हुआ है, और ये जो बाद में एक्सलेशन आया ये इसको बोला जाता है लोकल एक्सलेशन, या इसी का एक और नाम भी होता है, इसी को बोला जाता है टेम्पोरल एक्सलेशन। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। तो ध्यान रखना जो
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हुआ है वो मेरा कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन कहलाता है, और जिसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ है वो मेरा लोकल एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो सवाल ये है कि सर यहां से लेकर यहां तक के टर्म को बोला जाता है कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक के टर्म को बोला जाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, यहां से लेकर यहां तक के टर्म को बोला जाएगा कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन इन जेड डायरेक्शन। बोली भाई समझे, लोकल एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, लोकल एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन और लोकल एक्सेलेरेशन इन जेड डायरेक्शन। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सर आपको यदि टोटल एक्सेलेरेशन ए चाहिए तो आपको ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए, ए जेड चाहिए। तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड निकालने के ये तीन फॉर्मूले हैं मेरे पास, बड़े आराम से निकला है, आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सोचिए तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्ल्ड कन्वेक्टिव और लोकल एक्सेलेरेशन आया है अभी, इनके लिए एक पॉइंट से आपसे पूछा जाता है, वो पॉइंट मुझे बताना है पड़ेगा स्टडी और अनस्टडी फ्लो के बारे में। याद करिए स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें टाइम ना हो फंक्शन में, वही तो स्टडी होता है, और अनस्टडी फ्लो में टाइम होता है फंक्शन में, ठीक। तो आप इसी बात पे आधारित मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल को फिलअप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको चेकआउट करेंगे कि कब हमारा टेम्पोरल एक्सेलेरेशन मिलेगा और कब टेम्पोरल एक्सेलेरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर ये एक्स ए वाई ए जेड निकालना सीख लिया हमने। तो रेट में जो लेंथ होगी मतलब जो दूरी होगी वो तो स्पीड के बराबर हो जाएगी ना, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था यहां पर। ये देखिए कि जब भी कभी समय 1 सेकेंड हो रहा है यानी रेट की बात की जा रही होगी तो चाल और दूरी बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब यहां लेंथ की बात होगी उसको आयतन बनाने के लिए तो लेंथ के स्थान पर आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, क्योंकि बात यहां रेट की जा रही है, 1 सेकेंड की जा रही है ना। तो अगर ये बात आपको नहीं अभी भी समझ में आई तो मैं आपको बदल बता सकता हूं कि मास फ्लो रेट को एम डॉट बराबर किया जा सकता है मास अपॉन टाइम। लेकिन मैं हटा दूंगा इसको, ध्यान रखना इस बात का, मास मतलब हो गया डेंसिटी इंटू वैल्यूम, और वैल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ और डिवाइड बाई टाइम, और ये जो लेंथ अपॉन टाइम आया दूरी अपॉन समय, तो ये तो चाल बन जाएगा ना, स्पीड बन जाएगा रो ए वी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो जो रो ए वी है यही मेरा मास फ्लो रेट है, लेकिन मास फ्लो रेट मुझे 1-1 सेक्शन पे चाहिए है, तो 1-1 सेक्शन पे मास फ्लो रेट हो जाएगा रो 1 A1 V1 बराबर मास फ्लो रेट इन 2-2 सेक्शन, तो मास फ्लो रेट इन 2-2 सेक्शन चाहिए तो रो 2 A2 V2, क्लियर है। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन निकली ये मेरी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है। पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी किस नियम पे आधारित होती है, तो आपको बताना है सर ये मास कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। सवाल ये है कि सर इक्वेशन में देखिए रो 1 और रो 2 आपने अलग अलग लिए हैं, सेम नहीं लिए, तो जब रो 1 रो 2 अलग अलग लिए हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन एप्लीकेबल होगी ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगी, किसके लिए, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो ध्यान रखना रो 1 A1 V1 कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। हाँ, अब यहां पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, यदि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो बताइए अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर उसके लिए तो रो 1 बराबर रो 2 हो जाता है। इनकॉम्प्रेसिबल वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कह सकते हो कि चेंज नहीं होती फ्लो के दौरान, तो फ्लो के दौरान जब डेंसिटी चेंज ना हो यानी रो 1 बराबर रो 2 लगा दीजिए, तो बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगी, A1 V1 बराबर A2 V2। तो ये जो A1 V1 बराबर A2 V2 आप कहते हो ना, ये A1 V1 ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है, सॉरी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है, और रो 1 A1 V1 बराबर A2 V2 वो हमारा कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होती है ना। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आपकी प्रूफ हो रही है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाइए। अब ये जो इक्वेशन निकल के आती है रो 1 A1 V1 बराबर रो 2 A2 V2 चाहे A1 V1 बराबर A2 V2, इनमें मेन इसकी बात करते हैं, मेन लिक्विड की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन लग चुकी है इस फॉर्मूले में, वो कंडीशन वो लिमिटेशन मुझे देखनी है कि कौन कौन सी लिमिटेशन है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, लिमिटेशन।
तो लिमिटेशन का मतलब ये है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो A1V1 बराबर A2V2 की बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इस इक्वेशन को पढ़ते समय कौन कौन से लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन का पहला पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट, तो लिमिटेशन का जो पहला पॉइंट है वो बताते हैं, पहले तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। तो लिमिटेशन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो फ्लूड का फ्लो है आपका वो स्टडी होना चाहिए। तो ध्यान रखना, फ्लूड का जो फ्लो है वो स्टडी होना चाहिए, बिना स्टडी के आपका सवाल नहीं सॉल्व होगा। बिना स्टडी, अच्छा स्टडी का क्या मतलब, स्टडी का मतलब है जैसे ये सेक्शन वन है और सेक्शन वन पे वेलोसिटी v1 है, तो 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, 50 सेकेंड बाद भी इस सेक्शन वन पे वेलोसिटी v1 ही होनी चाहिए। यही तो स्टडी फ्लो होता है कि फ्लूड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लूड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही तो हमारा स्टडी फ्लो है। अब आप बताइए, पहले सेक्शन पे मान लो वेलोसिटी सेक्शन नंबर वन पे 20 मीटर पर सेकेंड है, 10 सेकेंड बाद 50 हो जा रही है, तो क्या A1V1 बराबर A2V2 होल्ड करेगा क्या? नहीं। तो आप कह सकते हो कि A1V1 बराबर A2V2 होल्ड करने की पहली लिमिटेशन है कि फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, स्टडी ध्यान रखना। दूसरी लिमिटेशन, फ्लो 1D होना चाहिए, 1D होना चाहिए। 1D क्यों हुआ, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम पाइप के किसी सेक्शन पे सारी वेलोसिटी को मिलाकर एक एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, तब उस एवरेज वेलोसिटी को मान लेना ही 1D फ्लो कहलाता है। तो 1D होना चाहिए। अगर एवरेज नहीं मानी जाएगी तो आप खुद सोचिए जरा, आप खुद सोचिए कि अगर एवरेज नहीं मानी जाएगी तो कौन सी वेलोसिटी आप V1 कह रहे हो, दिक्कत आ जाएगी ना। एवरेज होनी चाहिए यानी 1D होना चाहिए। तीसरी, अब बात A1V1 बराबर A2V2 की जा रही है ना, तो आप ऐसा कह सकते। अच्छा एक और कंडीशन, पाइप में ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये अगली लिमिटेशन है कि पाइप में किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ब्रांचिंग होती तो ये जो आप अभी मास फ्लो रेट इन वन सेक्शन इक्वल टू मास फ्लो रेट इन टू सेक्शन किया है, क्या कर पाते, क्या नहीं कर पाते। इसका मतलब पाइप में किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन, अब भाई A1V1 बराबर A2V2 के लिए है तो कन्फर्म चौथी कंडीशन ये होगी कि फ्लो जो है, फ्लो नहीं लिखेंगे, फ्लूड लिखिए ज्यादा सही रहेगा, फ्लूड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लूड हमारा कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो मैं लिमिटेशन इसकी बात कर रहा हूं A1V1 वाला, तो ये ठीक ध्यान रखिएगा। लेकिन बाय द वे अगर पूछा जाता कि Rho1A1V1 बराबर Rho2A2V2 के लिए बताइए जरा इनमें से कौन सी लिमिटेशन लगाई जाएगी इनमें, इस फॉर्मूले के लिए, तो इस फॉर्मूले के लिए ये जो लिमिटेशन है ये लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले के लिए कौन कौन सी लिमिटेशन एप्लीकेबल, इसके लिए पहली दूसरी तीसरी तो एप्लीकेबल है, परंतु ये जो चौथी लिमिटेशन है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो टूटी, अरे भाई रोवन बराबर रो टू कहां है अभी इसमें, तो कैसे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड कह सकते हो, क्लियर है। तो क्वांटिटेटिव इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म हैं, ध्यान रखना। तो जब ये इक्वेशन पूछी आएगी तो इसके लिए ये लिमिटेशन लगाना जरूरी नहीं है, इसके लिए बस पहली दूसरी तीसरी होनी चाहिए, परंतु इस फॉर्मूले के लिए A1V1 बराबर A2V2 के लिए चारों इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। ठीक, चलिए फिर इसके बाद आपने लिमिटेशन देख ली है, नोट कर लीजिएगा, बहुत कायदे से नोट्स बनाइएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो आपका अभी अभी आपने पढ़ा है आपका क्वांटिटेटिव इक्वेशन, उसके हम लोग अदर फॉर्म भी देखेंगे। बहुत सारे फॉर्म एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फॉर्म तो आपने बताया नहीं है, तो कौन कौन से वो अदर फॉर्म है उनको भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से अदर फॉर्म है देखिएगा बड़े ध्यान से। पहले मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का A1V1 बराबर A2V2, तो कई बार आप लोग इसको A into V बराबर कॉन्स्टेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना मेरे भाई इस फॉर्मूले को। अच्छा एरिया को कई लोग कैपिटल में भी शो कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं। तो मेरे भाई अगर इस फॉर्मूले को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल फॉर्म में पता क्या लिखा जाएगा, डीए बटे ए प्लस डीवी बटे वी
इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक प्रकार का आपका कह सकते हो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी होती है, लेकिन बट ये डिफरेंशियल फॉर्म है आपका ना मेरे भाई, आपको यहां से यहां कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये आप लोग इंटर में पढ़ते हो, मैं किसी दिन जो है इसको कन्वर्ट करना आपको बताऊंगा भी पूरी तरीके से, वैसे बताया भी है जब मोस्ट लेक्चर हुआ था तब जरूर बताया था पहले चैप्टर में ना। तो ध्यान रखना ये भी इस टाइप डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। एक और फॉर्म सुनिए, अभी अभी आपको एक और बात बताई गई है, रो ए इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट है, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी होती है, लेकिन बट इसका डिफरेंशियल फॉर्म बनाया जाए, इसका डिफरेंशियल फॉर्म बनाइए तो टॉ ए डी रो बटे रो प्लस डी ए बटे ए प्लस डी वी बटे वी, तो ये भी बराबर जीरो। तो ये भी कह सकते इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का एक फॉर्म है आपका, है। तो इनमें से कोई भी फॉर्म मिले, सारे के सारे फॉर्म इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशियल फॉर्म है आपका। अगर आगे चल के मौका मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि इससे इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वैसे आप लोग मोस्ट ऑफ वीडियो देखिएगा तो आपको पता है उसमें, ठीक है। चलिए फिर ये हो गया, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन को इसको नोट कर लीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ फिर मैं क्वांटिटी क्वेश्चन में फिर से आऊंगा, है। उस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर यदि किसी पाइप में एरिया को 10% बढ़ाया जाए, 10% बढ़ाया जाए एरिया को 10% बढ़ाया जाए, तो बताइए वेलोसिटी कितना परसेंट बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। कि एरिया को 10% बढ़ाया जाए तो बताइए वेलोसिटी कितना परसेंट बढ़ेगी, बहुत सीधा सा सवाल है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि यदि वेलोसिटी को 10% बढ़ा दिया जाए, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं सॉरी, अगर एरिया को 10% बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी कितना परसेंट घटेगी, ये। और यदि वेलोसिटी को छोड़िए इसी क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे लिख दीजिए कि एरिया को आपने दोगुना किया तो वेलोसिटी कितने गुना हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि एरिया को सर डबल किया है तो वेलोसिटी जस्ट आधी हो जाएगी, तो यहां तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी सर 1/2 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर मिल चुका है, इसमें आइए। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार बच्चे जो है एग्जामिनर क्या कहते हैं कि इसी क्वेश्चन को उल्टा करके जब पूछा जाता है कि एरिया को 10% बढ़ाया तो बताइए वेलोसिटी कितना परसेंट घटेगी, और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए वेलोसिटी को 10% घटाया है तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो उतना आंसर नहीं आएगा ना, अलग आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एरिया 10% बढ़ा दिया गया है तो बताइए वेलोसिटी कितना परसेंट घटेगी, तो एरिया 10% बढ़ाया जाए तो इक्वेशन देखिए क्या होती है, A1V1 बराबर A2V2। तो मेरे भाई आपने एरिया को 10% बढ़ाया है तो बताइए पहले वाला एरिया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो पहले वाली वेलोसिटी को भी अपनी तरफ से 100 ही मानिए, ताकि परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर निकला। आपने एरिया को 10% बढ़ाया तो बाद वाला एरिया हो जाएगा 110, और बाद वाली वेलोसिटी V2 निकाल लीजिए बस, तो जैसे ही बाद वाली वेलोसिटी आप निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8000 बटे 10 11 8000 बटे 11। तो जरा कैलकुलेटर से सोल्व करा लीजिए, 8000 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा, तो 8000 डिवाइड बाई 11 क्या हो रहा है भाई साहब, 1000 डिवाइड बाई 11, तो ये आंसर आ गया 19.9, इसी के आसपास आ रहा है। तो एक बार बताइए पहले जो वेलोसिटी तुम्हारी 100 थी, V1 को 100 माना जाता है शुरुआत में, वो वेलोसिटी 90.9 आई तो घट गई ना, तो पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी में परसेंटेज कमी कितनी हुई, परसेंटेज कमी, तो टॉ ए 100 माइनस 90.9 बटे 100, लेकिन परसेंटेज कमी है तो गुणे 100 और करना पड़ेगा, है ना बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये फालतू में आप 100 लिख रहे हो, और लिखना भी नहीं चाहिए, जब शुरुआत वाली वैल्यू 100 मान ली है तो डायरेक्ट भी काम चला सकते हैं, तो 100 में से 90.9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड माइनस 9.90.9, तो ये आंसर आ गया 9.1%, ठीक है। तो 10% नहीं घटेगी, कितने परसेंट घटेगी, 9.1% घटेगी, क्लियर है। तो आप सब लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक। ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को जब घुमा के पूछा जाता है, इट इज टू 10 होता तो ऐसा कुछ
तो फिर आंसर डिस्टर्ब हो सकता था ना, ध्यान रखना इस बात को। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि यदि एरिया को 10% घटाया बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी 10% घटेगी नहीं, ये श्योर है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। जनरल क्वांटिटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जनरल क्वांटिटी इक्वेशन, जनरल क्वांटिटी इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज अभी आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल में पड़ेगा। जनरल क्वांटिटी इक्वेशन मैंने कुछ लिखा नहीं है और इस इक्वेशन को मैं प्रूव भी नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा इस इक्वेशन, क्योंकि इसकी प्रूविंग नहीं आती, वही इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है जो उसकी प्रूविंग आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम में उसके अंदर से बातें पूछी जानी चाहिए तो वो प्रूविंग होगी। तो जनरल क्वांटिटी इक्वेशन आप सुनिए होती क्या है, तो जो जनरल क्वांटिटी इक्वेशन होती है वो ये होती है कि डेवर रो अपॉन डेवर टी प्लस डेवर अपॉन डेवर एक्स, लेकिन ब्रैकेट में होता है रो इंटू यू, प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई, ब्रैकेट में होता है रो इंटू वी, प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड, ब्रैकेट में होता है रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने जो इक्वेशन आपके सामने लिखी यहां से लेकर पूरी यहां से यहां तक, ये इक्वेशन कहलाती मेरी जनरल क्वांटिटी इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, कुछ मैं टर्म को डिफाइन कर दूं यहां पर, टी टाइम रो डेंसिटी है और यू वी डब्ल्यू ये वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है, इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड हुआ है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्योंकि यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी, किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो जब एक पैरामीटर कई मतलब कोई एक मान कई पैरामीटर पर डिपेंड करता है तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं ना, तो ये जनरल क्वांटिटी इक्वेशन है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम लोग लिमिटेशन लगाएंगे। सबसे पहली लिमिटेशन सुनिए, सबसे पहली लिमिटेशन है कि फ्लो हमारा यदि स्टडी होता, फ्लो कैसा होता स्टडी, तो स्टडी का मैं आपको पहले ही मतलब बता चुका हूं, स्टडी का मतलब ये होता है कि फ्लूड पैरामीटर, फ्लूड पैरामीटर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लूड पैरामीटर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा। अब पैरामीटर मैंने बोला तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डेंसिटी फ्लूड पैरामीटर है तो डेंसिटी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए टाइम के सापेक्ष डेंसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा, ये मेरी स्टडी फ्लो की कंडीशन है, लगा दीजिए। तो जैसे ही स्टडी फ्लो की इस कंडीशन को एप्लीकेबल करोगे तो जो स्टडी फ्लो क्वांटिटी इक्वेशन बचेगी वो केवल ये बचेगी, डेवर अपॉन डेवर एक्स रो यू प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई रो वी प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो मेरे भाई जब आप लोग इस क्वांटिटी इक्वेशन को लिखते हो ना तो इसके लिखने के पीछे एक लिमिटेशन लगी होती है, वो लिमिटेशन होती है कि फ्लो हमारा कैसा होना चाहिए स्टडी होना चाहिए, ध्यान रखना इसको लिखने के पीछे फ्लो हमारे स्टडी की एक लिमिटेशन है। अब इसके बाद मैं एक और लिमिटेशन भी इसमें लगाऊंगा और देखूंगा उस लिमिटेशन को लगाने से क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लिमिटेशन लगाऊंगा कि फ्लो फ्लो स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल यानी ये दोनों चीजें हो, स्टडी भी हो साथ साथ हमारा इनकॉम्प्रेसिबल भी हो। तो स्टडी के लिए आपने देख चुके हैं क्या आया, अब इसमें हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल और लगा दे तो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी विल बी कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी स्पेस के सापेक्ष एक्स वाई जेड के सापेक्ष डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यही तो हमारा कि फ्लो के दौरान, फ्लो कब होता है जब एक्स वाई जेड चेंज होता है आपका, तो कह सकते हो कि अगर हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो जो डेंसिटी पैरामीटर अंदर है वो बाहर लिया जा सकता है, तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर लेने का मतलब ही है डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हमारी कांस्टेंट है ना, ये छोटी सी बात है आपका। तो फ्लो स्टडी है तो वाला जो टर्म अभी तक जीरो किया जा रहा था वो तो जीरो रह रही रहेगा, डेट मीन्स डेवर रो अपॉन डेवर टी शुड बी इक्वल टू जीरो, और इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और यहां स्पेस का जो मतलब है वो एक्स वाई और जेड से, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को लगाया जाएगा तो मेरे पास जो कंडीशन निकल के आ जाएगी वो रो कॉमन हो जाएगा
और अंदर आ जाएगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर जेड इक्वल टू जीरो। कई बार इस रो को हटा भी देते हैं, तो जब रो को हटा दिया जाएगा तो आप कह सकते हो कि लिमिटेशन निकल के आ जाएगी डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई और प्लस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर जेड शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? क्लियर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये कंडीशन जो है मेरी आनी चाहिए निकल के, डेंसिटी हटा दे। लेकिन इस कंडीशन को लिखने का एक और मैथमेटिकल फॉर्म होता है, वो मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर कीजिए, वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? वो मैथमेटिकल फॉर्म हम आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि एक्चुअली में अभी आप डाइवर्जेंट है और कर्ल है इनके बारे में नहीं पढ़े हो, तो वो मैथमेटिकल फॉर्म आपको बता देंगे बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना बस इस बात को। अच्छा चलिए फिर सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, अब जब आए हैं तो सुन ही लीजिए। देखिए ध्यान से, यहां पर लेट कैपिटल वी इक्वल टू यू आई टेट प्लस वी जे टेट प्लस डब्ल्यू टे टेट। मैंने कैपिटल V मतलब जो नेट वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, यू वी डब्ल्यू, यू एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, वी वाई कंपोनेंट, डब्ल्यू हमारा जेड कंपोनेंट है ना। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस वेलोसिटी का डाइवर्जेंस निकालिए, डाइवर्जेंट ऑफ V, वेलोसिटी V का डाइवर्जेंट निकालिए, तो डाइवर्जेंट निकालना आप सबको आना चाहिए। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि इस डेल के साथ वेलोसिटी वेक्टर V का डॉट प्रोडक्ट, इस डेल के साथ वेलोसिटी वेक्टर V का डॉट प्रोडक्ट, बस ये जो पैरामीटर है इसी पैरामीटर को मैं डाइवर्जेंट कहता हूं, ये पता होना चाहिए ना। तो ये पैरामीटर मेरा डाइवर्जेंट। अच्छा डेल का मान क्या होता है? तो डेल का मान भी आप याद कर लो, क्योंकि आगे बहुत यूज आना पड़ा है इस डेल का। तो डेल का जो मान होता है वो होता है डेवर अपॉन डेवर एक्स आई टेट प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे टेट प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के टेट। तो ये जो मान है ये मेरा डेल्टा मान होता है। ठीक है, डॉट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी, तो वेक्टर वी का मान अभी बताया जनरल मान है यू आई टैप प्लस वी जे टैप प्लस डब्ल्यू टे टैप। तो ये मेरे वेक्टर का कह सकते हो कि वी का जनरल मान हो गया। तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों मानों का डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो आप सबको एक बात पता होगी कि जब भी कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो i का मल्टीप्लाई i वाले कंपोनेंट के साथ होता है और i नहीं लिखा जाता। j का मल्टीप्लाई j वाले कंपोनेंट के साथ होता है और j नहीं लिखा, ये ट्रिक होती है। वैसे होते तो सब है लेकिन वो सब जीरो जीरो होते कटे फटे जाते। k का मल्टीप्लाई k वाले कंपोनेंट के साथ होता है लेकिन आपका जो है कह सकते हो कि k लिखा नहीं जाता। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करा दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो डेवर अपॉन डेवर एक्स यू प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई वी प्लस डेवर अपॉन डेवर डब्ल्यू और यहां पर डब्ल्यू नहीं सॉरी जेड और यहां पर होगा डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या इस पैरामीटर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं? ढंग से लिखा जाए तो ये भी लिखा सकता है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर जेड। देख लीजिए, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वी, डाइवर्जेंस ऑफ v आपका ये निकल के आ गया, आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब इसके बाद देखिए, मैंने अभी अभी पहले ये बताया था कि सर ये कंडीशन है स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो की, तो क्या इस कंडीशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो, ऐसा भी लिखा सकता है। तो ये कंडीशन लिखी हो चाहे ये कंडीशन लिखी हो, दोनों ही हमारे स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है? हालांकि आगे का जो टॉपिक है स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें वो सब इन्हीं डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेट है करती हैं, लेकिन सिस्टम से हर चीज बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट स्ट्रीम फंक्शन में टूट जाए, चलो स्ट्रीम फंक्शन पर, ऐसा नहीं होता है, सिस्टम से। तो वही बात है, तो मुझे लगा कि आपको थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यही ये चीजें थोड़ी हिंट कर दी। आगे चल के फिर मिलेगा, फिर पढ़ेंगे, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है।